हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर जोन। हम पढ़ रहे हैं एक चैप्टर एनिमल किंगडम, और इस चैप्टर में अभी तक हम दो वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम टीनोफोरा की, और फाइलम टीनोफोरा से लेकर हम फाइलम आर्थ्रोपोडा तक आज की वीडियो में इन फाइलम्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, और साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं, तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं, यहाँ पर शुरुआत करेंगे वीडियो की आज फाइलम टीनोफोरा से। ठीक है, तो फाइलम टीनोफोरा को कॉमनली क्या बोला जाता है? सी वॉलनट। ठीक है ना, दूसरा नाम क्या होता है टीनोफोर्स का? सी वॉलनट होता है, और इनको हम कोम्ब जेलीज भी कहते हैं। टीनोफोर्स को सी वॉलनट कहा जाता है कॉमनली, और इनको हम कोम्ब जेलीज भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, केवल मराइन के अंदर मिलते हैं आपको। इनके अंदर सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल। ठीक है ना, मतलब किसी भी प्लेन से आप इनको कट करोगे तो दो इक्वल पार्ट्स इनके हो जाएंगे। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब दो जर्म लेयर मिलेगी आपको। दो जर्म लेयर कौन सी होगी? एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। ठीक है ना, एंडोडर्म और एक्टोडर्म दो जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, तो इसलिए हम कहेंगे इनको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है आपको। ठीक है ना, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टीनोफोर्स के अंदर होता है। द बॉडी बियर्स एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। इनके अंदर कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती है, जो कि कितनी होती है? एट। एट इनके अंदर कॉम्ब प्लेट्स मिलती है आपको, जो हेल्प करती है किसमें? लोकोमोशन में, जो हेल्प करती है। अब डायग्राम में आप देखोगे तो ये आपको एनसीईआरटी की बुक खोलो, और उसमें टीनोफोर्स का तुमको एक डायग्राम भी दिया हुआ है, प्लियोब्रैंकिया का, तो उसमें आप एट एक्सटर्नल रोज को देख सकते हो। ठीक है ना, जिनको कॉम्ब प्लेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेशन। अगर डाइजेशन की बात करें तो इनका डाइजेशन इनके अंदर बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों प्रकार से होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है टीनोफोर्स के अंदर। और बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है? तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। ठीक है ना, ये लाइट को एमिट करते हैं, चमकने वाले जो एनिमल्स होते हैं उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। तो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी किस फाइलम के अंदर पाई जाती है? टीनोफोर्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और देखते हैं, अगर हम सेक्सिस की बात करें तो इनमें सेक्सिस सेपरेट नहीं होते हैं। और रिप्रोडक्शन कैसे होती है इनमें? तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन। ठीक है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, केवल और केवल रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल होता है। और फर्टिलाइजेशन ये एक्सटर्नल करते हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? कि लार्वल स्टेज इनके अंदर मिलती है आपको। ठीक है ना, कौन सी स्टेज मिलती है? लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, जिसमें लार्वा बनता है पहले, उसके डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल आपको दो याद करने हैं, एक है प्लूरोब्रैंकिया, एक है टीनोप्लेना। तो टीनो से, टीनोफोरा से याद हो जाएगा टीनोप्लेना, और आपको एक एग्जाम्पल ये याद करना है प्लूरोब्रैंकिया। ठीक है, तो इस फाइलम में केवल आपको इतनी ही बात याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज पर। तो देखिए, प्लेटी हेलमेंथीज को हम पढ़ते हैं। प्लेटी एलमेंथीज में आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं मैंने कुछ पॉइंट्स। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है, इनकी जो बॉडी होती है वो डोर्सो वेंट्रली होती है। बॉडी कैसी होती है इनकी? डोर्सो वेंट्रली, मतलब ये फ्लैटेंड बॉडी होती है इनकी। एक डोर्सल सरफेस होगी ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ वेंट्रल सरफेस होगी, तो फ्लैटेंड बॉडी होती है इनको, इसीलिए इनको हम बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, प्लेटी एलमेंथीज को और क्या बोलते हैं हम? फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं, क्योंकि इनकी फ्लैटेंड बॉडी होती है डोर्सो वेंट्रल। और ये ज्यादातर क्या होते हैं? एंडो पैरासाइट, क्योंकि ये अंदर की तरफ पाए जाते हैं, एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं बॉडी के अंदर,
ठीक है ना, और ह्यूमन बीइंग के अंदर भी आपको ये मिलते हैं। तो एंडो पैरासाइट है मतलब ये अंदर मिलेंगे एनिमल्स के, इनके अंदर सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है मतलब तीन जर्म लेयर यहाँ पर आपको मिलेगी, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, और ये ए सिलोमेट एनिमल्स है मतलब सिलोम इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है। ए का मतलब होता है नोट, मतलब इनके अंदर सिलोम नहीं है, तो ए सिलोमेट एनिमल्स होते हैं ये। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटिहेलमिंथीज में कैसा होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इनके पास दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो पैरासिटिक फॉर्म है प्लेटिहेलमिंथीज की, उनके पास हुक्स और सकर्स पाए जाते हैं पैरासिटिक फॉर्म में, और ये हुक और सकर क्या काम करते हैं, ये तुम्हारा न्यूट्रिशन को सक करने का ये काम करते हैं, ठीक है, सकिंग का काम करते हैं हुक एंड सकर्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ठीक है ना, होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सरफेस से ये अपना न्यूट्रिशन डायरेक्ट लेते हैं, सक करते हैं न्यूट्रिशन को, ठीक है ना, तो ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, इनके अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती है, फ्लेम सेल्स पाई जाती है, हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करना, मेंटेन करना, ठीक है ना, जब ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, आयनिक बैलेंस को बनाए रखा जाता है, तो उसको ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं, एंड एक्सक्रीशन, ठीक है ना, तो फ्लेम सेल्स जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल है प्लेटिहेलमिंथीज के अंदर जो कि ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। सेक्सेस इनके सेपरेट नहीं पाए जाते हैं, सेक्सेस इनमें सेपरेट नहीं पाए जाते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन कैसे करेंगे, इंटरनल करेंगे, और इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज, तो लार्वल स्टेज के द्वारा इनका डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है प्लेटिहेलमिंथीज का। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना इसको, प्लेनेरिया के पास क्या होती है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। तो इसके तुमको एग्जाम्पल तो याद करने हैं, एक तो प्लेन एरिया याद करना है, दूसरा टीनिया याद करना है, टीनिया का दूसरा नाम होता है टेप वॉर्म, टीनिया को क्या बोलते हैं, टीनिया सोलियम होता है पूरा नाम इसका, टेप वॉर्म, और एक आपको एग्जाम्पल याद करना है फैसियोला, फैसियोला का दूसरा नाम होता है लिवर फ्ल्यूक, फैसियोला, टेप वॉर्म हो गया तुम्हारा टीनिया और प्लेन एरिया, तीन एग्जाम्पल तुमको याद करने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम एस्कल्मेंथीज की, तो जो एस्कल्मेंथीज होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, जब अगर हम काट के देखते हैं इनकी बॉडी को तो वो सर्कुलर आपको दिखाई देगी, ठीक है, हेंस आर नेम एज राउंड वॉर्म्स, तो एस्कल्मेंथीज को और क्या बोलते हैं हम, राउंड वॉर्म्स बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। मे बी फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं मतलब अकेले रह सकते हैं, किसी आप बिना किसी होस्ट के भी ये अपनी लाइफ को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, एक्वाटिक भी हो सकते हैं, पानी में भी मिल सकते हैं आपको, टेरिस्ट्रियल आपको ये लैंड पर भी मिल सकते हैं, और पैरासिटिक, कुछ पैरासिटिक भी हो सकते हैं जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे या फिर एनिमल्स को ये इन्फेक्ट करेंगे। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि इनकी बॉडी को हम दो इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं लेफ्ट और राइट में किसी एक ही प्लेन से काटने पर, ठीक है, जब हम किसी एक वर्टिकल प्लेन से काटेंगे तो इनकी लेफ्ट और राइट दो इक्वल हाफ में बॉडी इनकी बट जाएगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है तीनों जर्म लेयर है इसके पास, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एस्कल्मेंथीज की, इनको सूडो सिलोमेट एनिमल्स हम बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो मीजोडर्म होती है वो पैचेस की फॉर्म में पाई जाती है, सूडो सिलोमेट एनिमल्स कौन है, एस्कल्मेंथीज। और एनिमल जो एलिमेंट्री कैनाल है इनकी वो कंप्लीट होती है, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है विद ए वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स, और इनके मस्कुलर फेरिंग्स भी क्या है, वेल डेवलप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो इनके अंदर जो एक्सक्रीशन करने के लिए क्या पाया जाता है, एक्सक्रीटरी ट्यूब, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है इनके पास, एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है,
तो ये रिमूव करती है बॉडी के वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी पोर तो ओपनिंग है बाहर की तरफ जो खुलेगी, एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा ये अपनी बॉडी कैविटी का सारा वेस्ट रिमूव कर देते हैं एक्सक्रीटरी ट्यूब के द्वारा। सेक्सेस की बात करें अगर, तो सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग, और जब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायोइसियस। इसका मतलब यह है कि मेल और फीमेल आर डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग। फीमेल की बात करें तो लॉन्गर होती है देन मेल, फीमेल्स लॉन्गर होती है देन मेल। ठीक है ना, एनसीईआरटी का तुम डायग्राम देखना, उसमें दो डायग्राम दिखा रखे हैं, जो बड़े साइज का तुम्हें दिखाई दे रहा है लंबा दिखाई दे रहा है वो फीमेल है, जो छोटा सा दिखाई दे रहा है वो मेल है। फर्टिलाइजेशन कैसा करते हैं, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे और इनका डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब ये है कि जो यंग वंस प्रोड्यूस होगा वो किसके जैसा दिखाई देगा आपको, एडल्ट के जैसा ही दिखाई देगा। और इनके अंदर कुछ एग्जाम्पल इसके ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको डेवलपमेंट इनडायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो एस्कल्मिन्थीज में हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसके आपको एग्जाम्पल याद करने, एस्कैरिस जिसको राउंड वॉर्म भी कहते हैं, वो चेरीरिया जिसको फाइलेरिया वॉर्म कहते हैं, और एन साइलोस्टोमा जिसको हुक वॉर्म भी कहा जाता है। तो ये जो सेकंड नाम जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभी मैचिंग में क्वेश्चन आ जाता है यही। ठीक है ना, एन साइलोस्टोमा हुक वॉर्म का नाम है, एस्कैरिस राउंड वॉर्म का नाम है, और वो चेरीरिया फाइलेरियल वॉर्म का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एस्कल्मिन्थीज पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट देखो एनिलिडा, तो एनिलिडा आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये एक्वाटिक होते हैं, मतलब ये समुद्र के अंदर भी मिल सकते हैं आपको, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, और धरती में भी मिल सकते हैं आपको टेरिस्ट्रियल। जैसे अगर हम एक्वाटिक की बात करें ना, तो नेरीज आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में, नेरीज एक एनिलिडा है जो आपको एक्वाटिक के अंदर मिलता है, और टेरिस्ट्रियल में आप लिख सकते हो अर्थवॉर्म। ठीक है ना, अर्थवॉर्म तुम्हारा टेरिस्ट्रियल एनिलिड्स है। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं और समटाइम पैरासिटिक, पैरासाइट भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग का मतलब है कि होस्ट की जरूरत नहीं है, अपनी ये लाइफ साइकिल बिना होस्ट के भी सर्वाइव ना, अपनी ये लाइफ साइकिल को बिना होस्ट के भी पूरा कर सकते हैं। और कुछ पैरासाइट होते हैं, जो पैरासाइट होंगे वो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन वगैरह के लिए। ठीक है, दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, और मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब है इनकी बॉडी के अंदर इस तरीके से सेगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, इनकी बॉडी जो होती है ना वो सेगमेंटेड होती है, इस तरीके से सेगमेंट पाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है। सिलोमेट होते हैं, सिलोम प्रेजेंट है यहाँ पर, और देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क आउट इंटू सेगमेंट्स और मेटामर्स। जो ये सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट है जो ये क्लियरली मार्क है, देखो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो सेगमेंट्स को, तो इनको क्या बोलते हैं, मेटामर्स भी बोलते हैं। जो इनकी बॉडी सरफेस है वो बिल्कुल क्लियरली उन पर मार्क होते हैं, ठीक है ना, सेगमेंट्स, इनको मेटामर्स भी कहते हैं। हैंस द फाइलम नेम एनिलिडा, तो जो एनिलिडा का मतलब होता है ना, लैटिन में एक टर्म से लिया गया है एनुलस, और एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग, तो छोटी छोटी रिंग बनी हुई है इनकी सरफेस पर इस तरीके से, ठीक है ना, तो वही से नाम आया है एनिलिडा। अगर हम बात करें, दे पोजिस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन, तो कौन सी मसल्स है, ठीक है ना, जो लोकोमोशन में हेल्प करती है एनिलिडा के अंदर, तो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का मतलब जो इस तरीके की मान लो बॉडी होगी ना, तो जो इस तरीके से अरेंज है मसल्स की लॉन्गिट्यूडनल मसल हो गई, और जो इस तरीके से अरेंज होगी वो सर्कुलर मसल होगी, तो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स मिलकर लोकोमोशन में हेल्प करती है। ठीक है, जो एक्वाटिक एनिलिडा है लाइक नेरीज पोजिस लेटरल अपेंडेजेस जिनको पैरापोडिया कहते हैं विच हेल्प इन स्विमिंग, तो आप नेरीज का डायग्राम देख सकते हो जो कि एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, आपको इस तरीके का नेरीज दिखाई देगा। ये अगर मान लो ये नेरीज है तो आपको यहाँ पर इस तरीके से पैरापोडिया दिखाई देंगे, इस तरीके साइड में स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे निकले हुए, इनको बोलते हैं पैरापोडिया, और ये पैरापोडिया क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं स्विमिंग में। ठीक है ना, तो जो नेरीज है तुम्हारा वो एक्वाटिक एनिलिडा का एग्जाम्पल है, और इसके अंदर लेटरल अपेंडिजेस पाए जाते हैं, पैरापोडिया कहते हैं जिसको, और ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं।
ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो ये सबसे पहला ऐसा फाइलम है जिसके अंदर आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। और इसका भी एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, लीच, तो एक्सेप्शन लिख सकते हो, है ना, एक्सेप्शन है लीच। लीच के अंदर आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है और बाकी सभी एनालिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, नेफ्रिडिया, ये ना नेफ्रिडिया इनके अंदर क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और सिंगुलर में बोलते हैं इसको नेफ्रिडियम। तो इसकी हेल्प से ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम ये करते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब मैंने बताया ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखना, आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना, ये कहलाता है ऑस्मोरेगुलेशन। और एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट का रिमूवल, तो ये किसकी हेल्प से करेगा, नेफ्रिडिया की हेल्प से करेगा। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, एक को बोलते हैं गैंग्लियन, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कोर्ड। देखो हम पढ़ रहे हैं नॉन कोर्डेट्स को, तो याद रखना नॉन कोर्डेट्स के अंदर जो नर्व कोर्ड होती है वो वेंट्रल होती है। नॉन कोर्डेट्स के अंदर नर्व कोर्ड कैसी होती है, वेंट्रल। और हमारे अंदर जो कोर्डेट्स हैं, या हम अपनी बात करें अभी तो कोर्डेट्स ही है ना, तो हमारे अंदर डोर्सल नर्व कोर्ड होती है, स्पाइनल कोर्ड है ना जो डोर्सल साइड है, और इनके अंदर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर वेंट्रल होती है। और नर्व कोर्ड इनके पास कैसी होती है, डबल नर्व कोर्ड होती है, डबल, और हमारे पास क्या है, सिंगल, समझ रहे हो। तो ये याद रखना पेयर्ड गैंग्लिया पाया जाता है न्यूरल सिस्टम में, क्या है, पेयर्ड गैंग्लिया है जो कि लेटरल नर्व से कनेक्टेड रहती है, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू ए डबल वेंट्रल नर्व कोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, नरीज एक एक्वाटिक फॉर्म है, ठीक है ना, और ये डाइसियस है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। नरीज एक्वाटिक फॉर्म है, ठीक है ना, और ये डाइसियस है। डाइसियस का मतलब क्या होता है, मेल अलग फीमेल अलग, ठीक है ना, मेल एंड फीमेल क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो उसको बोलते हैं डाइसियस। जबकि अर्थवर्म की बात करें और लीच की बात करें तो ये मोनोइसियस होते हैं। मोनोइसियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल कंडीशन, मतलब जब मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी के अंदर होते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोइसियस। अर्थवर्म और लीच मोनोइसियस के एग्जाम्पल है। जबकि अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें एनिलिडा के अंदर तो सेक्सुअल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, नैरीज है, नैरीज का दूसरा नाम सैंडवॉर्म भी होता है, नैरीज को सैंडवॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। और फेरिटीमा तुम्हारा अर्थवॉर्म का नाम होता है, हिरुडिनेरिया ये ब्लड सकिंग लीच का नाम है, हिरुडिनेरिया, ये ना। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी बता सकते हैं, एक ट्रिक है एनिलिडा से, आप ट्रिक याद करो, एनिलिडा से प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, ठीक है ना। तो एनिलिडा से मतलब एनिलिडा के एग्जांपल है, पी से क्या याद करोगे, फेरिटीमा, और एन से याद करोगे नैरीज, और एच से याद कर लेना हिरुडिनेरिया, एनिलिडा से प्यार नहीं है। उसके बाद हम एक फाइलम और करते हैं कवर इस वीडियो में, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। इसके अंदर कौन आता है, इंसेक्ट्स आते हैं। फिर ओवर टू थर्ड मतलब दो तिहाई ऑफ ऑल नेम स्पीसीज, जितनी भी स्पीसीज को हम जानते हैं उसका टू थर्ड, अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल प्रेजेंट है वो सब कौन है, आर्थ्रोपोड्स है, ठीक है। जितने भी एनिमल धरती के ऊपर है जिनको हम जानते हैं तो उसका टू थर्ड एनिमल कौन है, आर्थ्रोपोड्स है। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब दो प्लेन में लेफ्ट और राइट इक्वल हाफ्स में इनकी बॉडी को बांटा जा सकता है किसी एक प्लेन से काटकर। ट्रिग्लोब्लास्टिक का मतलब तीनों जर्म लेयर इनके पास होती है, सेगमेंटेड होती है बॉडी, ठीक है ना, सेगमेंटेड है। और सिलोम प्रेजेंट होती है, सिलोमेट एनिमल है। द बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, आपने एग्जांपल पढ़ा होगा कॉकरोच, अगर आपने कॉकरोच पढ़ा है जो कि 7th चैप्टर में एक टॉपिक दिया हुआ है तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि जो कवरिंग होती है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है कॉकरोच का। तो कॉकरोच भी आर्थ्रोपोडा का ही मेंबर है, तो आप वहां से याद रख सकते हो इनकी जो बॉडी है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर होती है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ, इनकी बॉडी को तीन पार्ट्स में बांटा गया है, हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमेन में, ठीक है ना, हेड में, थोरेक्स में
और एब्डोमेन में इनकी बॉडी को बांटा गया है। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड का मतलब जुड़े हुए, अपेंडेजेस का मतलब होता है पैर, लेग्स, ठीक है। तो यहां पर देखो जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा वर्ड कहां से आया है, तो आर्थ्रोज का मतलब जॉइंट होता है, आर्थ्रोज का मतलब जॉइंट होता है, और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, अपेंडेजेस का मतलब होता है तुम्हारे पैर आप बोल सकते हो। तो आर्थ्रोज का मतलब जॉइंट होता है, पोडा का मतलब अपेंडेजेस होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होता है, और ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है आर्थ्रोपोडा के अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप है, और ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है क्योंकि इससे पहले वाले में जो एनिलिडा था उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था एक्सेप्ट लीच, और यहाँ पर आपको ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। और सेंसरी ऑर्गन आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या है, एंटीना है, आईज है, आईज कैसी होती है, कंपाउंड होती है और सिंपल भी होती है, ठीक है। सिंपल आई, कंपाउंड आई, कंपाउंड आई आपने पढ़ा होगा, कॉकरोच में कंपाउंड आई पाई जाती है, मोजेक विजन कहते हैं उसको, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना, ठीक है, कॉकरोच को। तो आईज भी क्या है, सेंसरी ऑर्गन में अंदर आती है, एंटीना हो गया, और स्टेटोसिस्ट, स्टेटो का मतलब होता है बैलेंस बनाना, तो स्टेटोसिस्ट जो है तुम्हारा वो बैलेंसिंग ऑर्गन है, ठीक है ना, ये प्रेजेंट होते हैं सेंसरी ऑर्गन। तो एंटीना, आईज और स्टेटोसिस्ट, ठीक है ना, ये तुम्हारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। स्टेटोसिस्ट का मतलब होता है बैलेंसिंग ऑर्गन्स। एक्सक्रीशन कैसे होता है इनके अंदर, तो मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है एक्सक्रीशन करने के लिए, और ये डाइसियस होते हैं, डाइसियस का मतलब मेल अलग फीमेल अलग। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं ये, ओवीपैरस होते हैं, ओवीपैरस का मतलब होता है एग लेइंग, अंडे को देते हैं ये, ठीक है, एग ले करते हैं तो उसको बोलते हैं ओवीपैरस। और डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल आपको याद करने, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स के अंदर आएगा एपिस, जिसका नाम होता है हनी बी, बॉम्बिक्स, सिल्कवॉर्म, लेसिफर का नाम है लेग इंसेक्ट। और वेक्टर्स के अंदर तुम्हारे मच्छर आ जाते हैं, मॉस्किटोज, एनोफिलीज, ठीक है ना, क्यूलेक्स, एडीज, ठीक है ना, एनोफिलीज से, एनोफिलीज जो वैक्टर है ना वो मलेरिया के लिए, जब मलेरिया एनोफिलीज से फैलता है, मलेरिया क्यूलेक्स से फैलता है तुम्हारा एलिफेंटियसिस, एलिफेंटियसिस, ठीक है ना, एलिफेंटियसिस का जो कि फाइलेरियल वॉर्म होता है ना उसका, एलिफेंटियसिस का एक वेक्टर होता है क्यूलेक्स, और एडीज तुम्हारा डेंगी का है, ठीक है। और ग्रीगेरियस पेस्ट में याद करना है आपको लोकस्टा, लोकस्ट, और लिविंग फॉसिल में याद करोगे लिबुलस किंकरैब। अब इसकी एक ट्रिक भी है, ठीक है ना, ट्रिक में बता देता हूँ, ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, यूट्यूब से मैंने उठाई है ट्रिक, ठीक है। तो ट्रिक है बाल काला, बाल काला, और स्पेलिंग देखो कैसे लिखोगे, बाल बी ए एल और काला सी ए डबल एल ए, बाल काला। तो बी से आप याद करोगे, देखो बॉम्बिक्स याद हो जाएगा बी से, ए से क्या याद करोगे, ए से एनोफिलीज याद हो जाएगा, फिर एल से क्या होगा, लोकस्टा याद हो जाएगा, सी से क्यूलेक्स याद हो जाएगा, फिर ए से एडीज याद हो जाएगा, फिर एल से, एल से लिविंग फॉसिल तुम्हारा लिबुलस याद हो जाएगा, फिर एक और एल से इधर लेसिफर याद हो जाएगा, और फिर ए से तुम्हारा एपिस याद हो जाएगा। तो इस ट्रिक से क्या होता है, हमारा सारा एग्जाम्पल कवर हो जाता है। तो ये एक बेहतर ट्रिक है आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आर्थ्रोपोडा हमारा पूरा हो जाता है, और आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा, और इन तीन फाइलम को पढ़ने के बाद हम नॉन कोर्डेट्स को पूरा करेंगे, फिर उसके बाद हम कोर्डेट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।